आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी, प्रोग्राम दुआ लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, इसमें तमाम आपकी जो भी जुमला ज़िंदगी भर की मुश्किलात हैं उनका हल सहीफ़े रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा तरीन, आपकी महबूब तरीन शख्सियत अल्लामा सैयद जान अली शाह कासमी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे क़िबला और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आसन अकबला, जो सवालात हमारे पास जमा हुए हैं पहले जो है वो उसको पेश करते हैं ताकि आप सहीफ़े रसूल खुदा से जो है वो इन मोमिनीन की जुमला जो परेशानियां हैं उनके हल जो है वो उनकी उन तक पहुंचाएं। कि सवाल होता है कि जी माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और यकीनन दौर भी ऐसा चल रहा है जो कि फितने का भी दौर है, कॉम्पटिशन का भी दौर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मामलात हैं, बहुत ज़्यादा मामलात जो है वो सख्त हैं। तो क्या किया जाए, कोई ऐसा कोई अमल, कोई ऐसे वजीफ़ा बताएँ जिससे कि माली मुश्किलात में जो है वो आसानी और कशाइश पैदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कुरान और अहले बैत का दामन हम पकड़ें तो कभी भी माली मुश्किलात हमारे लिए मुश्किल नहीं बनेगी बल्कि फौरन हल हो जाएगी। प्यारे पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अहले बैत ने इतने नुस्खे हमें बतलाए हैं, इतने कुरानी नुस्खे हैं, इतनी दुआओं के नुस्खे हैं कि अगर मोमिनीन मुतवज्जह हो जाएं तो बजाय दर दर पे जाने के, दर दर की ठोकरें खाने के, अगर खुदा के दर पे आ जाएं, अहले बैत के दर पे आ जाएं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। सही, चंद नुस्खे जो आजमाए हुए हैं और सिर्फ हमने नहीं बल्कि हजारों मोमिनीन के आजमाए हुए हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। सही। एक जो नुस्खा है वो है कुरानी, वो है सूरह मुबारक वाकया का खत्मा। सही। देखिए अक्सर लोग बल्कि सभी लोग कुरान का खत्मा तो जानते हैं मगर बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि हर सूरा का खत्मा होता है और उससे बेशुमार इंसानी मुश्किलात हल हो जाती हैं और बेशुमार इंसान को दुनियावी उखरवी फायदे मिलते हैं जब उस सूरा का खत्मा आप मुकम्मल करें। अब सूरा का खत्मा क्या होता है, किस अंदाज से होता है, कितने दिन में निकलता है? तकरीबन जितने भी कुरान के सूरा हैं उनके खत्मे के निकालने के लिए अरबई निकालना पड़ता है, यानी 40 दिन मुसलसल उस सूरा की तिलावत करनी होती है और उसकी तादाद भी अहले बैत ने बतलाई है मुअय्यन है और उसका वक्त भी मुअय्यन है। सही। ये तादाद और वक्त जो है बहुत अहम है ताकि पूरा फैज आप ले सकें, वरना सवाब तो मिलेगा आप जितना भी पढ़ें, लेकिन सिर्फ सवाब नहीं, हम एक मकसद तक पहुंचना चाहते हैं। मसलन फक्र है, फक्र को खत्म करना चाहते हैं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए लाजमी है कि जो शरायत हैं कि कितनी मरतबा पढ़ा जाए और कब पढ़ा जाए, और फिर जो तमाम कुरानी नुस्खों के लिए या अमाल के लिए शर्त है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कि कुरान से अगर आपने अपनी मुश्किलात हल करनी है, बेशक हल कर सकते हैं, कुरान से हर मुश्किल हल हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपके सातों आज़ा पाक होने चाहिए, यानी आंख, जबान, हाथ, पांव, शिकम, कान, आज़ाए निकाह, इनसे कोई गुनाह ना हो, और जो आपका रिज्क होना चाहिए वो हलाल भी हो और तैयब भी हो। अब आप सुन लें इसका खत्मा, सूरे वाकया का खत्मा बहुत पावरफुल है, हजारों लोगों ने इसे आजमाया है बल्कि इससे भी ज्यादा। अब इसका खत्मा कैसे होगा, किसी दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। सही।
بعض خطوں میں دن بھی بتایا جاتا ہے، یہاں کوئی شرط نہیں ہے، جب بھی آپ کا جی چاہے سورہ واقعہ کا ختمہ آپ نکال سکتے ہیں۔ روزانہ نماز مغربین کے بعد یعنی رات کے وقت یا سونے سے پہلے آپ نے سورہ واقعہ کو 3 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اور جب شب جمعہ یعنی تھرسڈے نائٹ جب آئے گی، جمعرات آئے گی، جب شب جمعہ دعائے کمیل والی رات، اس رات کو آپ نے 8 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھنا ہوگا۔ اب 40 دن میں جتنے بھی شب جمعہ آئے، آپ کو شب جمعہ تھرسڈے نائٹ کو 8 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، باقی جو راتیں ان میں 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل ہے 40 دن کا۔ صحیح، 40 دن میں اس کا ختمہ پورا ہو جائے گا، لیکن یہ لازمی ہے کہ اب یہ جو آپ نے زحمت کی ہے یہ آپ کے کنٹرول میں رہے، یعنی یہ سرمایہ ضائع نہ ہو، تاکہ ہمیشہ اس سے فیض لیتے رہیں۔ تقریباً جتنے بھی ختوم نکالے جاتے ہیں، کبھی اللہ کے اسماء کے بھی ختوم ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی معین ہوتی ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جب آپ نے ختمہ نکال لیا تو اب آپ نے تمام حیات کم سے کم 1 مرتبہ سورہ واقعہ کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے رزق میں کتنی انقلابی برکات نازل ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ جو آگے بتاتے ہیں کہ پہلے اگر ہم 5,000 روپے یا $5,000 کماتے تھے تو اب ہماری آمدنی 15,000 ہو گئی ہے، یعنی 3 گنا رزق جو ہے بڑھ جاتا ہے اس عمل سے۔ اچھا، یہ عمل ممکن ہے کہ بعض کے لیے کچھ مشکلات ہوں، یا قرآن مجید پڑھنے میں مشکل ہو، تو کیا کیا جائے، یعنی ان پڑھ ہوں فرض کریے، تو اس کا حل موجود ہے کہ قرآن کی سورہ کو سنیں اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں، تو بھی وہی اثر ہوگا۔ اگر قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے، ان پڑھ ہیں خدا نخواستہ، تو قرآن آڈیو چلا دیں اور سنتے رہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں، وہی سیم فائدہ انہیں ملے گا۔ گاڑی میں ہے تو گاڑی میں سنتے رہیں۔ اور دوسرا نسخہ جو ہے وہ بھی بہت پاورفل ہے، قرآنی نسخہ ہے، اور اس کی روایت جو ہے امام خمینی کے بیٹے نے بیان کی ہے، احمد خمینی مرحوم فرماتے ہیں، ہم اور بابا امام خمینی مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے، ہم دونوں یعنی بابا اور باپ اور بیٹے دونوں زیارت کر کے نکلے تو سامنے آیت اللہ نخودکی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب امام خمینی کو تو ساری دنیا جانتی ہے، مگر آیت اللہ نخودکی کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت اللہ نخودکی وہ عالم با عمل اور وہ عالم صاحب کرامت تھے کہ پوری دنیا سے مریض ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری اماں تہران میں بیمار ہے، کوئی کہتا تھا ہماری اماں مشہد میں بیمار ہے، تو وہ چنے پڑے رہتے تھے، ان کا بھائی آپ چنا کھا لو، آپ کی اماں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب وہ فون کرتے تھے تو وہی خبر ملتی تھی کہ اماں کی بیماری ختم ہو گئی، یعنی ہزاروں لوگوں نے ان کی کرامات دیکھی ہے۔ تو جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تو بیٹے سے کہا، احمد خمینی کہتے مجھے کہا کہ یہ ولی خدا ہے، چلو ان سے کوئی فیض لے، چلو ان سے کوئی ورد لے، چلو ان سے کوئی نسخہ لے، کیونکہ آج اگر ولی خدا مل بھی جائے ہمیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان سے کیا لینا ہے۔ اگر کبھی دیکھیے کربلا آپ جاتے ہیں یا کبھی آپ مشہد مقدس جاتے ہیں، غالباً جو نیک لوگ ہیں انہیں کبھی نہ کبھی یہ موقع ملتا ہے کہ کسی نہ کسی ولی خدا سے ملاقات ہو جاتی، تو اب اگر ولی خدا مل جائے تو آپ نے کیا لینا ہے؟ ولی خدا اگر آپ کو کوئی وظیفہ دے دے نا تو وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ صحیح،
बहुत बड़ा खजाना होगा। तो वली खुदा इंशाल्लाह अक्सर हमारे मोमिन, अब तो अरबईन में लाखों लोग जाते हैं, और आपको पता है कि इस अरबईन के इज्तवा में औलिया खुदा भी आते हैं, अरबईन में यकीनन आते हैं। तो ये हमारी नसीहत है, ये वसीयत है कि जब भी वली खुदा मिले ना, तो कभी अपना वक्त जाया ना करें। सही, हाँ जी, उसके कदमों पे गिर जाए कि मुझे कुछ दे दें अपने पास से, कि ये नेमत है। वली खुदा हर एक को नहीं मिलते, अगर मिल गया तो यकीनन वो आपकी तकदीर बदल देगा। खुद हम पर खुदा बंदे आलम ने लुत्फ व करम किया कि जब हम तालिबे इल्म थे तो कोशिश करते कि मशहद में शबे जुमा पूरी रात हम इमाम अली रजा अलैहि सलाम के हरम में गुजारने की तौफीक होती थी। तो एक रात थी, इतनी सख्त बर्फ गिर रही थी और इतनी सर्दी थी, और वो भी ब्लैक आइस। आपको पता है ब्लैक आइस जब गिरती है यहाँ पर या कनाडा में बहुत, तो जहाज भी रुक जाते हैं और लोग गिरते हैं, उनकी हड्डियां टूटती हैं। ये यूरोप में, ईरान में भी गिरती है, हमारे पाकिस्तान में तो इतनी बर्फ अलबत्ता शुमाल में गिरती है। तो उस रात ब्लैक आइस गिरी थी, इंसान भी चलता है तो असा के जरिए से मेरी बाजू न टूट जाए। तो 2 बजे का वक्त था, उस जमाने वो सहने इमाम खुमैनी बहुत बड़ा सहना, हमने देखा एक बूढ़ा आदमी जो है वो आ रहा है, और मैंने कहा इस सख्त सर्दी में आ रहा है और ये ब्लैक आइस में जहां बंदा घर से निकलता ही नहीं है, मेरा बाजू टूट जाएगा। मेरे दिल ने कहा कि ये कोई वली खुदा ही होगा, इस सर्दी में 2 बजे रात को ये बंदा खुदा जो आ रहा है, चलो इसकी जियारत करें। वो आलिम दीन थे, वो अंदर दाखिल हुए और हमने जाके हाथ का मुसाहिफा किया, और जो अब हमने सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने पहले ही हमारे पूछने के जवाब दे दिया। ये होती है शिनाख्त वली खुदा की। हाँ जी, कि अभी हमने कोई सवाल पूछना चाहा, सही अभी जबान पे सवाल नहीं आया, उन्होंने पहले ही उसका जवाब जवाब दे दे दिया। दिया, वाह। तो बहरहाल ये वली खुदा की शिनाख्त होती है, और वो अगर अपनी शिनाख्त करवा रहा है आपको, यानी कुछ देना चाहता है, हर एक को नहीं शिनाख्त करवाता है। हाँ, यानी अगर करबला में, अगर मशहद मुकद्दस में, अगर काबतुल्ला में, अगर रोजे रसूल खुदा में कोई वली खुदा आपको चांस मिल जाए, तो ये समझिए कि गोल्डन चांस है, इसको जाया ना करें। उससे ऐसा कुछ मिल जाएगा ना कि आपकी हर पूरी जिंदगी की मुश्किलात वो हल कर सकता है, पूरी जिंदगी आपकी बदल सकता है। बहरहाल तो इमाम खुमैनी ने बेटे से कहा कि वली खुदा है, चले इनसे फैज हासिल करें। इमाम खुमैनी चले गए, और इमाम खुमैनी ने आयतुल्ला नुखुदगी से कहा, मैं अकेले में कुछ आप से सवाल करना चाहता। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। भाई उस जमाने में तो इमाम खुमैनी मर्जा नहीं थे, इमाम खुमैनी मर्जा थे नहीं मालूम, लोग जानते थे या नहीं जानते थे, बहरहाल खुदा जाने वो क्या वक्त था, ये उस किताब में नहीं है जो आयतुल्ला के बेटे, इमाम खुमैनी के बेटे ने लिखा। बहरहाल कहते हैं हुर्रे आमली जो नीचे उनकी जियारत है, वहां इमाम खुमैनी और आयतुल्ला नुखुदगी की मुलाकात थी। इमाम खुमैनी ने कहा कि आज कल हौजा जो है हम चला रहे हैं कुम में, उसकी माली हालत बड़ी मुश्किल है, तालिब इल्म बेचारों की बहुत बुरी हालत है, मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। मैंने सुना है कि आपके पास इल्म कीमिया है, यानी ये मशहूर था कि आयतुल्ला नखुदगी के पास इल्म कीमिया है, कि हजारों को मदद करते हैं, हजारों को पैसे देते हैं। तो ये हमने मशहूर है आपके बारे में कि आपके पास इल्म कीमिया है, यानी आप लोहे से सोना बना सके, इस तरह का कोई इल्म है। तो क्या आप मुनासिब समझेंगे कि इस वक्त जो हौजे के मसूलीन हैं वो परेशान हैं कि ये इल्म अगर वहां हो जाए तो वो भी तालिब इल्मों की मुश्किलात हल करेंगे। तो आयतुल्ला नुखुदगी ने मुस्कुरा के कहा कि इमाम खुमैनी से कहा कि अगर आपको ऐसा इल्म मिल जाए और आप दुआ से या कुरान की किसी आयत से पूरे पहाड़ को सोना बना दें, तो क्या फिर आप उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं? इमाम खुमैनी ने फरमाया नहीं, पूरे पहाड़ अगर सोना हो जाए दुनिया टूट पड़ेगी, उसकी कौन हिफाजत करेगा? तो आयतुल्ला नुखुदगी ने कहा कि मैं इल्म कीमिया से बढ़कर आपको नुस्खा देता हूं,
कभी माली मुश्किलात आपको नहीं होगी। जितने आप तालिब इल्म ले लें, जितने शागिर्द ले लें, कभी जिंदगी में माली मुश्किलात नहीं होगी। और कीमिया से बढ़कर नुस्खा कुरान का है, वो मैं आपको दे दूं। सही और उन्होंने जो नुस्खा दिया कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह कुल वल्ला अहद पढ़ें, बहुत आसान है। और उसके बाद 3 मरतबा 2 आयतें हैं, वो भी फुल नहीं है, जुमले फुल हैं मगर आयतें फुल नहीं है, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और सूरह तलाक की आयत नंबर 3। सही मैं यत्तकिल्ला से शुरू होती है, मैं यत्तकिल्ला यजल्लहु मखरजुन यरजुक मिन हैथ ला से शुरू होती है। फरमाया ये 2 आयतें और 3 मरतबा पढ़ना है, पहले 3 मरतबा हर नमाज के बाद। और अगर मुश्किल आपकी फिर भी हल नहीं होती है तो फिर वही खत्मा कि इन आयतों का खत्मा निकालें, ठीक है, खत्मा निकालें और फिर 3-3 मरतबा पढ़ें। तो जैसे सूरह वाकया अभी आपने सुना, इन 2 आयतों का खत्मा, वो क्या है खत्मा, खत्मे का वक्त जो इन आयतों का है वो मुअय्यन है, तादाद भी मुअय्यन, कि नमाज फज्र के बाद ये 2 आयतें पढ़नी है आपने 170 मरतबा और 40 दिन पढ़ना है, तो 40 दिन में इसका खत्मा पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ 3 मरतबा सूरह कुल वल्ला अहद पढ़ें और 3 मरतबा ये आयते मैयत तकिल्ला से लेकर तीसरी आयत तक ये आप पढ़ें। इसको फिर छोड़ना नहीं है। देखिए जब भी कोई खत्मा निकालें तो अगर आप चाहते हैं कि वो दौलत हमेशा रहे तो फिर उसका विर्द भी आपने हमेशा करना है, चाहे 1 मरतबा करें चाहे 3 मरतबा। जैसे सूरह वाकया फिर एक सही मरतबा जरूर पढ़ें, सही अगर इसका खत्मा निकालते हैं तो हर नमाज के बाद फिर 3 मरतबा जरूर इसकी तिलावत करें। तो ये 2 अहमाल हैं, अलबत्ता अहमाल बहुत ज्यादा है मगर ये 2 अहमाल बहुत आसान है। कुछ अहमाल तुलानी है, कुछ खुतूम तुलानी है, मगर ये बहुत। और एक और भी जिक्र भी सुन लें, हजरत बीबी पाक फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु घर में जब माली मुश्किलात हुई तो उसका हल तलाश करने के लिए प्यारे पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए कि बाबा जान, अपने बाबा रसूल खुदा से कहने लगी माली मुश्किलात हैं, हमें इसका कोई विर्द बताएं, कोई जिक्र बताएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो विर्द बताया वो भी बहुत आसान है। 4 नूरानी अल्लाह पाक के नाम है कि वो हमेशा उसका विर्द इंसान करता रहे। मसलन या रब्बल अव्वलीन वल आखिर, ये खुदा तू रब है अव्वलीन का भी आखिर। या जल कुव्वतिल मतीन, ये भी अल्लाह का प्यारा नाम है। या राहिमल मसाकीन, हे खुदा मैं मिस्कीन हूं मुझ पे भी रहम कर दे, तू सारे मसाकीन पे रहम करने वाला है। व या अरहमर राहिमीन, ये सुभान अल्लाह पाक के 4 नाम याद कर लें चलते फिरते वुजू के साथ, या रब्बल अव्वलीन वल आखिरीन, या जल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। और इसके साथ एक प्यारी पाक हदीस भी बहुत जरूरी, बहुत नूरानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अलत्तहारह, 2 लफ्ज है, तुम अलत्तहारह यानी दवाम दो, कंटिन्यू मुसलसल वुजू में रहो तो अल्लाह पाक तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा। देखिए वुजू के क्या फवायदे,
एक हदीस में है कि वुजू रखेंगे तो वुजू ढाल है शैतान के हमलों से बचाएगी, और यहां क्या है वुजू से रिस्क बढ़ेगा। लिहाजा जिन लोगों को भी माली मुश्किलात है वो तहारत से रहें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि मैं तहारत करने वालों से मोहब्बत करता हूं। तो तुम अल-तहारा अगर हमेशा वुजू के साथ रहोगे तो रिस्क बढ़ेगा। और दूसरे हमारे बुजुर्ग थे, एक बहुत बड़ी हस्ती थी पाकिस्तान सिंध में, वागड़ जी एक जगह है, मौलाना गुलाम महदी साहब, ये भी जिंदा वली थे। अल्लाह अजीब व गरीब हद था कि उन्होंने, उनके शागिर्द थे, उन्होंने बतलाया कि मेरी मौत इस वक्त होगी, मुझे इस वक्त दफनाया जाएगा, और कराची अस्पताल में भी थे। और जब सकरात का वक्त आया तो जो शागिर्द थे वो कहने लगे, बिल्कुल मौलाना का चेहरा ना दमकने लगा, जैसे जवान हो गए। मैंने कहा किबला अब तो आप ठीक हो गए, चलते हैं वापस घर। कहा नहीं, आज मेरी सकरात होगी, आज मेरे मरने का दिन है, और पंज तने पाक तशरीफ लाएंगे, आप ये चादर मेरे ऊपर ठीक कर दो, और मुझे, मैं इशारा दूंगा जब पंज तन पाक आए तो मुझे उठाना ताकि मैं उठकर उनका इस्तकबाल कर। आखिर ने एक बहुत बड़ी हस्ती थी, और वही हुआ। शागिद ने बताया, वो भी आलिम दीन थे, कि एक मर्तबा कहा, इशारा दिया, रसूल खुदा को झुककर सलाम किया, मौला अली को झुककर सलाम किया, और इस तरह से उनकी रूह परवाज हो गई। उनके यहाँ जब भी कोई मुश्किल में गिरफ्तार, माली मुश्किलात में जाता था, दो आदमी तो वो हमारे जानने वाले हैं, लेकिन अक्सर एक शख्स तो ये जो जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था उनका रिश्तेदार था, इंतकाल कर गए, उनके बेटे आलिम दीन थे, हमारे साथ थे, इमामी मरहूम हो चुके हैं वो भी। तो कहे कि जब हमारे वालिद बहुत माली मुश्किलात में थे तो वो गए वाघर जी में मौलाना गुलाम महदी साहब के पास, में बहुत मुश्किलात। तो उन्होंने कहा आप खुम्स देते हैं? कहा किबला मैं फकीर हूं, मेरे पास खाने के लिए नहीं, मैं खुम्स कहाँ दूंगा? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पालूं कि खुम्स जो है ना फकीर पर भी वाजिब, एक तारीख मुकरर कर लें, उस दिन अगर 5 रुपए जेब में है तो 1 रुपया खुम्स निकाल दे, ये नहीं कि 1 लाख निकालें तो सवाब है, नहीं, आपकी जितनी हैसियत है, किसके पास 1 लाख बचता है खुम्स वो 1 लाख निकाले, और आप 1 रुपया निकाले उतना ही सवाब। तो उनका मेरे जेब में जितने पैसे थे मैंने, मैं सिर्फ 5 रुपए थे, 20 उसका मैंने खुम्स निकाल दिया। कहा अब मैं तुम्हें वजीफा बताता हूं, तुमने खुम्स निकाला, आज ये तारीख है, भूलना नहीं, खुम्स अगर निकालेंगे तो कभी माली मुश्किलात नहीं होगी। अब आप रोजाना 5000 मरतबा सलवात पढ़ के पंज तने पाक को हदिया करें, पहले नबी पाक को 1000 मरतबा यानी 10 तस्बीह, फिर मौला अली को, फिर पाक बीबी फातिमा जहरा को, फिर इमाम हसन हुसैन, और अगर हिम्मत हो तो 12 इमाम तक जाए, 14 मासूमीन यानी 14,000। ये जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब ये तस्बीह पढ़ के मैं अपने घर वापस आ रहा था, और जैसे मैं घर पहुंचा तो ये प्रेसिडेंट जो जरदारी का बाप था, हाकिम अली जरदारी, उनका आदमी आ गया कि भाई आइए हमसे मिले आके। और मैं जब वहां गया तो उन्होंने कहा कि भाई 300 एकड़ जमीन है, वो जाके तुम आबाद करो, और जितना उससे फसल हो आधा तुम्हारा आधा हमारा। इस वक्त माशाल्लाह वो लोग मल्टी मिलियनर हो चुके हैं, और मेरे ख्याल में जमींदार लोग अक्सर खुम्स नहीं निकालते, मगर ये सिंध का वाहिद जमींदार था जो बाकायदगी से खुम्स देता था, और फिर तो दूसरों ने भी शुरू कर दिया कि जब उसकी बरकत देखी। तो खुम्स दें, चाहे मसलन 5 रुपया आपकी जेब में, तारीख मुकर्रर सही। कर ले माली मुश्किल। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, वो भी सैयद साहब इंतकाल हो गए, अली नवाज शाह साहब, उनकी करोड़ों की जमीनें थी मगर कोर्ट में, हैदराबाद कैंट में, मगर वो जमीनें जो है मिलिट्री के साथ केस था, तो इनकी हालत बहुत गरीब थी, गुर्बत की। वो भी मौलाना के पास गए, उन्होंने भी कहा पैसे कितने हैं तुम्हारी जेब में, खुम दो पहले। कहा जी मेरे पास 40 रुपए, 40 रुपए का खुम दो और ये सलवात का जिक्र कर। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद ही नहीं थी कि मिलिट्री से कौन जीत सकता है पाकिस्तान में केस, माशाल्लाह वो जीत गए और उनके माली हालात बहुत हो गए।
तो ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है सलावात का, और सही सलावात की फिर बरकत बहुत ज्यादा है। अगर 5,000 मरतबा आप तोहफा देंगे तो उधर से भी यकीनन नबी पाक भी आपको तोहफा देंगे और आपकी तकदीर बहुत नूरानी हो जाएगी। जी हाँ सर, सही। क़िबला के किसी ने औलाद के ना होने की शिकायत की है, कोई सहीफ़े रसूल खुदा से उसका हल चाहते हैं। जी हाँ, औलाद के लिए देखिए, एक तो हम तिब्बे अहले बैत में नुस्खे बता रहे हैं, लेकिन आज कुरानी और दुआओं के नुस्खे बताने का दिन है, तो बेशक ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है। हदीस तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मगर बयान जो है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने किया है कि जिसको भी औलाद नहीं होती, एक शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसे औलाद नहीं होती थी, या नबी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास है और इमाम पाक ने ये नुस्खा नबी पाक का उन्हें बतलाया कि मियाँ बीवी दोनों वजू के साथ रहे, बगैर वजू के न रहे, और दिन में 7,000 मरतबा ये जिक्र करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतूबिले। इसमें ज्यादा देर नहीं लगती है, 7,000 सुन के हम घबरा जाते हैं, जब स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो बड़े आराम से आप बहुत जल्दी ये जिक्र कर लेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतूबिले। और ये हमने पाकिस्तान में कई जगह पर मजलिस में लोगों को बताया, तो दूसरे साल कराची में भी और उस तर्जी पायान सरहद में भी दो मोमिन आए जिन्होंने कहा हमें औलाद नहीं होती थी। यानी डॉक्टर भी बाद लोग जवाब देते हैं, मगर सबसे बड़ा डॉक्टर तो हमारे इमाम हैं और हमारे नबी पाक हैं, तो कहा कि ये नुस्खे पे हम ये बच्चा भी लेकर आए दोनों जगह, कि डॉक्टरों ने मायूस कर दिया था लेकिन हमने इस नुस्खे पर अमल किया, 7,000 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतूबिले, अल्लाह पाक ने हमें बेटा दिया। और जो रिवायत में है कि जब इमाम ने उसे बतलाया जो बेटे से औलाद बिल्कुल नहीं होती थी, जब उसने ये जिक्र किया तो अल्लाह पाक ने एक नहीं उसे 10 बेटे अता किए, तो ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है, मगर परहेज शरायत अपनी जगह पर है कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वतूबिले, गुनाहों की माफी है, सातों आज़ा भी पाक होने चाहिए और रिज्क भी हलाल और तैयब। जी हाँ साहब, एक और मसला जो कि काफ़ी संगीन है कि कर्ज जो है वो काफ़ी डिप्रेशन का, स्ट्रेस का सबब बन जाता है, बहुत जिस्मानी जहनी कोफ्त का जो है वो ईज़ा का सबब बनता है, तो कर्ज उतारने के लिए कुछ सहीफ़े रसूल खुदा से अर्ज़ फरमाइए। जी हाँ, ये भी बेचारे वाकई कर्ज मर्ज है, कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए, मगर बाद लोगों की आदत हो चुकी होती है, बाद जगह मजबूरी भी होती है। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे के दुबई के थे और बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे हालात थे उनके, मगर लोगों ने धोखा दिया और फिर ये हो गया, वो बहुत ज्यादा कर्जों में डूब गए। तो पूरा रमजान वो आए थे हमारे यहाँ मस्जिद मुकद्दस में और बेचारे फिजिकली रो रहे थे कि मैं एक तो इज्जतदार आदमी हूँ और दूसरा आखिरत से डरता हूँ कि अगर मेरी मौत हो जाए तो, जाहिर है कि आपको पता है कि कर्ज शहीद का भी माफ नहीं होता, यानी शहीद के सारे गुनाह माफ होने, लेकिन किसी का कर्ज लिया है, एक रुपया भी लिया है, तो वो शहीद भी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि हक अदा न करे। तो बेचारा रोता था, तो हमने भी उन्हें जो अहले बैत के नुस्खे हैं कि वल आदियात, सूरे वल आदियात का खत्मा निकाला, ठीक है, वल आदियात का खत्मा थोड़ा सा मुश्किल है मगर यकीनन मुश्किलात फिर हल हो जाती है। सूरे वल आदियात का जो खत्मा है 40 दिन, वो 110 मरतबा पढ़ना पड़ता है, अलबत्ता अगर सूरा याद हो जाए तो ये आसान, वल आदियात बड़ी सूरा नहीं है, छोटी सूरा है, चलते फिरते भी 40 दिन ने उसने 110 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद जो है एक मरतबा ये खत्मा मुकम्मल हो जाएगा 40 दिन में, सूरे वल आदियात का 110 मरतबा, क्योंकि ये सूरा मौला अली की शान में है और हजरत अबू तालिब की शान में है, तो मौला अली के
اسماء اسم کے نام کے اعداد ابجد کے حساب سے 110 بنتے. یہ راز و رموز ہیں جو اہل بیت جانتے ہیں کہ میں سورہ واقعہ کو 8 مرتبہ کیوں پڑھا جائے، صحیح. سورہ والعادیات کو 110 مرتبہ کیوں پڑھا جائے، کیونکہ یہ سورہ نبی پاک کی شان میں بھی ہے، مولا علی کی شان میں بھی ہے، اور حضرت ابو طالب کی شان میں بھی ہے. تو اس لیے اس کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ ہے 110 مرتبہ. صحیح. تو الحمدللہ جو ہمارے دوست جو خود ہم نے وہ دیکھا، بہت پریشان تھے، جس بہت زیادہ قرضہ تھا کہ تقریباً اس کی 5-6 دکانیں تھی وہ ساری برباد ہو گئیں، بہت نقصان ہو گیا تھا. یعنی اس لیے بندے رو رہے تھے کہ ڈر یہی تھا کہ میں مر جاؤں گا تو بھی یہ قرضہ شاید اتار نہ سکوں گا، بوڑھے آدمی تھے بیچارے. الحمدللہ الحمدللہ اس کا قرضہ اتر گیا. تو یہ نسخہ بھی آزمایا ہوا ہے، انشاءاللہ جو پریشان لوگ ہیں وہ انشاءاللہ شروع کریں، ثواب پر ثواب ملے گا اور قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. قبلہ اگلا سوال ہے کہ نفس پہ کنٹرول نہیں ہو پاتا بعض لوگوں سے، کبھی وہ غصہ کرتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، مطلب یہ اس صورتحال سے دو چار رہتے ہیں، ایک مستقل اس کا کیا حل بنتا ہے صحیح رسول خدا سے؟ جی ہاں، یہ نفس پہ کنٹرول کرنا ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی مشکل بڑا ہے. مشکل، جی اصل مشکل ترین کام ہے، مگر ناممکن نہیں ہے، بہت بڑا جہاد ہے. اور الحمدللہ ہزاروں مثالیں ہیں کہ ایسے لوگ جو شراب کے نشے میں تھے، دیگر گناہوں میں تھے، مگر الحمدللہ جب انہیں کسی نے صحیح تربیت کی، صحیح ان کے درس ہوئے، الحمدللہ آج وہ بہترین انسان بن گئے، مومن و متقی انسان بن گئے. یعنی ناممکن نہیں ہے، تربیت کے ذریعے سے یہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے نفس پہ کنٹرول کرے. البتہ جو طریقے اہل بیت نے بتلایا، اس میں ایک دو قرآنی نسخے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور کچھ اللہ کے اسماء ہیں ان کا ورد بتاتے ہیں. قرآنی نسخے میں نفس کو پاک کرنے کے لیے 3 آیتیں ہیں جنہیں آیہ سخریہ کہتے ہیں. البتہ وہ آیہ نہیں ہے، 3 آیتیں، مگر کتابوں میں ایسے ہی ملتا ہے روایتوں میں. سخریہ کیا ہے؟ یعنی مسخر کرنے والی آیتیں، مسخر یعنی کنٹرول، یعنی جس کے ذریعے سے پروردگار نے جس طرح سے سورج چاند ستارے یہ ٹوٹل مسخر ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، پورے کنٹرول شدہ ہیں. تو یہ کہتے ہیں مسخر یعنی 100% کسی پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے تو ان آیتوں کا ورد کریں تو نفس پاک ہو جاتا ہے، خیالات پاک ہو جاتے ہیں. بہرحال بہت سارے لوگوں نے اس کے مختلف فوائد بتائے. کہا ہم نے یہ ذکر کیا تھا، اس کا خاتمہ نکالا تھا نفس کو پاک کرنے کے لیے. الحمدللہ نفس پہ بھی کنٹرول ہو گیا، مگر ہمیں اور بہت زیادہ بینیفٹس ملے جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہ تھا، یعنی اور بہت سارے فوائد بھی ہمیں مل گئے. یہ 3 آیتیں واقعی بہت زبردست ہیں. آیت کا نمبر جو ہے سورہ اعراف کا 7ویں سورہ ہے، اور پھر آیت کا نمبر ہے 54, 55, 56. ان کا ختمہ نکالنا ہوگا اگر چاہتے ہیں کہ نفس پہ آپ کا کنٹرول، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نفس ہی انسان کو فرعون بناتا ہے، صحیح. یہ نفس ہی انسان کو یزید بناتا ہے، یہ نفس ہی انسان کو شمر بناتا ہے، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. قرآن کی آیت ہے کہ نفس کا فقط یہی کام ہے کہ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا، حرام کی طرف. اور نفس ہر ایک کے پاس ہے، اگر آپ عالم دین بن گئے تو بھی آپ کے پاس نفس ہے، اگر آپ آیت اللہ بھی بن جائیں تب بھی آپ کے پاس نفس ہے، آپ پروفیسر بن جائیں تب بھی آپ کے پاس نفس ہے، سید ہو غیر سید ہو ہر ایک کے پاس نفس ہے. لہذا نفس پہ کنٹرول کرنا
हर इंसान का काम है। अगर नफ्स हम पे कंट्रोल कर ले तो एक सेकंड में हमें वो काफिर भी बना सकता है, मुनाफिक भी बना सकता है, मुशरिक भी बना सकता है, उस्ताख भी बना सकता है, मलऊनो मर्दूद भी बना सकता है, एक लम्हे में अगर नफ्स का कंट्रोल हो जाए। सही लिहाजा इंसान इससे डरता रहे, इसीलिए उलमा कहते हैं मुराकिबे में रहो हमेशा, नफ्स बहुत खतरनाक है। मुराकिबा उर्दू में जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी वो एक कपड़ा ऊपर सर पे डाल के ना लोग कहते हैं मुराकिबा, लेकिन असल जो इल्मे अखलाक में या अरबी में मुराकिबा इन मानों में नहीं है। मुराकिबा यानी होशियार रहे, होशियार रहे नफ्स से। उलमा उसकी मिसाल ये देते हैं ना कि अगर सांप आपने डब्बी में बंद किया और डब्बी पर दो तीन और भी आपने रबड़ चढ़ाए और प्लास्टिक चढ़ाई और वो सांप जेब में रखा, जितनी डब्बियों में सांप बंद करें फिर भी आप डरते रहेंगे ये कमबख्त निकलना है। फरमाया जितना भी जिक्र करें, जितनी भी इबादतें करें, मगर ये नफ्स जो है सांप है, ये कभी थोड़ा सा बीमार हो जाता है, जयीफ हो जाता है, मगर सांप का काम डसना है। इसी तरह से मशहूर वाक्य कि जो सांपों का खेल दिखाने वाला एक सांप वाला आदमी था, तो एक सांप असल में बुखार से बेहोश हो गया था, उसने समझा कि मर गया और बेख्याल हो गया, तो सांप ने उसे डस दिया और वो मर गया। इसी तरह हमारा नफ्स है, कभी ज्यादा इबादत करने की वजह से कभी उसे बुखार हो जाता है, वो ज़ईफ हो जाता है, मगर है वो सांप, जैसे उसे मौका मिलेगा दस वो लेगा। हमें डसने से नहीं छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है, इन्ना नफ्सल अमारतुम बिस्सू, नबी पाक फरमाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सीने में है, सबसे बड़ा दुश्मन। दुनिया का इतना कितना भी आपका बड़ा दुश्मन हो क्या कर लेगा, आपको कत्ल करेगा ज्यादा, मगर कोई दुश्मन जो इंसानी शक्ल में आपको जहन्नुमी नहीं बना सकता है, हाँ जी आपकी कब्र को आग से नहीं भर सकता है, दुनिया में मार देगा, लेकिन ये नफ्से अमारा है जो हमारी कब्र को हजारों सांपों से भर देता है, आग से भर देता है, हमें जहन्नुमी बना देता है। लिहाजा वाकई ये खत्मा हर इंसान को निकालना चाहिए, यानी ये नहीं कि मैं आलिम हूं मुझे जरूरत नहीं है, नहीं मैं मुत्तकी हूं मुझे जरूरत नहीं है, हर एक इंसान का नफ्स है। हाँ जी बिल्कुल आलिमों सर, को अलग तरीके से गुमराह करता है, हाँ जी जाहिलों को अलग तरीके से गुमराह करता है, ये नफ्स छोड़ता नहीं है भाई, आलिमों को हसद में डाल देता है, हाँ जी किसी को बद अखलाकी बदजबानी में डालता है, किसी को पैसे के हिर्स में डालता है, किसी को जिना में गिरफ्तार, जो जहां फंसता है उसे फंसाता। तो ये जो खत्मा बता रहा हूं ये तो हर मोमिन को निकालना चाहिए, और एक मर्तबा नहीं बार बार निकालना चाहिए, ये वो खत्मा है 3 आयतों का। अलबत्ता इसके फवायद बहुत है, तो आयत जो है उसका नंबर नोट कर ले, सूरह एराफ नंबर सूरह का 7 है और आयत का नंबर 54 55 56। इन्ना रब्बकुमुल्लाह से आयत शुरू होती है और मोहसिनीन पे खत्म होती है, 3 आयत इन्ना रब्बकुमुल्लाह। इनको मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को नकल किया है कि कितनी मरतबा यह खत्मा होगा, फरमाया कि इसका खत्मा ये कि हर रोज इन 3 आयतों को चलते फिरते आप इसमें बाद में मुअय्यन होता है कि बैठ के जिक्र करें या नहीं, चलते फिरते आराम से आप इन आयतों को याद कर लें या लिख लें डायरी में, इनको 70 मरतबा पढ़ना है, 24 घंटे में 70 मरतबा। अब आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि बस फजर के बाद आपने 25 मरतबा पढ़ लिया, फिर जोहर के बाद 25 मरतबा पढ़ लिया, तो ये भी हो सकता है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ जिक्र कर। इसकी मानी भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, खुदा तेरे हुक्म से तूने सूरज को मुसख़र किया है, तूने चांद को मुसख़र किया है, तूने सितारों को मुसख़र किया है, अब कहने का मकसद ये खुदा जब तक तू मुझे ताकत न दे मैं नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तू मुझे ताकत दे। और आगे ये भी है कि गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे इन्हीं आयतों में तो फिर दुआ कबूल होती है
और फिर नफ्स भी तुम्हारा कंट्रोल हो जाता है। सुभान तो अल्लाह। 40 दिन इसका खत्मा होगा और उसके बाद जो है आप हर नमाज के बाद कम से कम 3 मरतबा ये आयत जरूर पढ़ें, क्योंकि ये आपका जखीरा है या आपका सरमाया है जो कब्र में भी काम आने वाला। और जिन्होंने ये खत्मा निकाला है उन्होंने कहा इसके फवाइद लामहदूद हैं, इन सुभान अल्लाह। आयतों के खत्मे से हमें लामहदूद फायदे मिले, इल्म बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया, क्या क्या चीजें हमें मिली हमने सोचा भी न था। यानी ये 3 आयतें इतनी बाएसे बरकत हैं, कहते हमारी जिंदगी बदल गई, हम तो एक चीज मांग रहे थे अल्लाह ने बेशुमार और चीजें भी हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। लिहाजा इल्म अखलाक में भी जो उलमा उरफा और आरिफीन बड़े बड़े आयतुल्ला पहला विर्द शागिर्द को यही देते हैं कि पहले नफ्स पे कंट्रोल हो, सही। वरना इल्म का फायदा नहीं। ये जबान तुझे मलून बना देगी, फिर इल्म का क्या फायदा? ये आंखें तुझे मलून बना देगी, कंट्रोल नहीं है, तू नामहरम को देखेगा, जबान से बुजुर्गों के साथ गुस्ताखी करेगा, क्या फायदा इल्म का? सही बात। और पेट में हराम चला जाएगा, पेट पे कंट्रोल नहीं। ये ऐसी आयतें हैं कि आपको कंट्रोल देती है, नफ्स पे कंट्रोल देती है, तो फिर इल्म का फायदा। इसलिए इल्म अखलाक में जो पहला दर्स मिलता है, बाज उलमा सलन शागिर्द को कबूल नहीं करते, पहले 40 दिन ये अमल कर फिर तुझे इल्म देंगे, क्योंकि अगर तू इल्म पर अमल नहीं करेगा तो वो इल्म तेरे लिए वबाले जान है। हदीस में भी है कि अगर इंसान इल्म पे अमल न करे तो खुदा उस पर लानत करता है। हदीस में भी हजरत मूसा का एक शागिर था बहुत प्यारा और बहुत उसने इल्म हासिल किया, वो गया गांव तबलीग करने फिर आया नहीं। हजरत मूसा हर एक से पूछ रहे मेरा शागिर्द किधर गया, कुछ पता नहीं। तो अल्लाह से पूछा मेरे अल्लाह वो मेरा शागिर्द किधर गया, तो बड़ा प्यारा शागिर्द था। अल्लाह ने कहा मैंने उसकी सूरत को मस कर दिया, मैंने उसे सूअर खिंजीर बनाया। अल्लाह अल्लाह अकबर। देखिए ये है, अगर नफ्स पे कंट्रोल लो इंसान बस इल्म 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 पढ़ता रहे तो आखिर उसकी यही है कि नतीजा खिंजीर बन गया। हजरत मूसा परेशान गमगीन हो गए, मेरा अल्लाह उसे तो मैंने बहुत इल्म दिया था, वो तो बड़ा मेरा प्यारा शागिर्द था, बड़ा जहीन शागिर्द था। अल्लाह ने कहा मुझे सब मालूम है मगर उसने अपने इल्म पर अमल नहीं किया। अल्लाह जज़ाकअल्लाह। इल्म क़िबला पर क्या के मुख्तसर सी ब्रेक का हमें कहा जा रहा है कि मुख्तसर सी ब्रेक पर नाज़रीन जा रहे हैं और वापस आएंगे तो सहीफ़े रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी खिदमत में अल्लामा साहब की पुरदर्द आवाज़ में दुआ पेश करेंगे। अभी जा रहे हैं फ़िलहाल एक मुख्तसर सी ब्रेक पर। जी नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद दोबारा हमारा प्रोग्राम दुआ उसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद जानदरी शाह काज़मी साहब। क़िबला एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और इस वक्त हम चलेंगे एक दुआ सुनेंगे आपसे सहीफ़े रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये दरख्वास्त की गई है कि कोई ऐसी दुआ जो कि आजमूदा शुदा हो तजर्बा शुदा हो जिससे स्ट्रेस और डिप्रेशन में कमी आती हो। जी इंशाल्लाह दुआ अर्ज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला समावत वल
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا ٹینشن اسٹریس ختم کرنے کے لیے یہ دعا تعلیم فرما رہے ہیں جو فانی حسن کے عاشق ہیں اور فانی حسن کے عشق کی وجہ سے اسٹریس میں مبتلا ہے یا ڈپریشن میں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں کائنات میں خدا کے حسن سے بڑھ کر کسی کا حسن حسن کے عاشق خدا کے حسن کی تجلیوں کو حاصل کرو، اگر تجلیے حسن خدا ہو جائے گے، اگر تجلی حسن اس میں خدا ساری پریشانیاں مٹ جائیں گی اور تجھے ایسی لذت ملیں گی جس کا تو تصور بھی نہیں سکتا. واقعاً ایسا ہے، جن پر خدا کے اسم کی تجلی ہوتی ہے وہ گواہ ہے کہ اس تجلی میں ہم اس قدر ڈوب گئے. اولیاء خدا کی بات کر رہا ہوں، اصحاب پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، اصحاب اہل بیت جنہوں نے کئی لاکھ مرتبہ کسی اللہ کے اسم کا ذکر کیا اور پھر اس اسم کے حسن کی تجلی کو دیکھا، تو بتایا 7 دن، کبھی 4 دن، کبھی 6 دن نہ ہمیں بھوک لگی، نہ ہمیں پیاس لگی اور نہ ہمیں احساس ہوا. ہم اس قدر مست ہو گئے، اس قدر لذت میں رہے، اس قدر دنیاوی بہشت میں رہے کہ ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے. واقعاً یہ حسن پروردگار ہے کہ ہم دنیا پرست لوگ اس سے محروم ہیں، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اسٹریس. آئیے دوبارہ دعا کو پڑھیں. یا نور جمال السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا نور تو ہے، سب سے حسین وجود تو سماوات
चाहते हो दुआ जल्द कबूल हो तो क्या करें या सरी खाल मुस्तस्खी चीख चीख कर रो सब पे अपना करम
محمد اگر کوئی سٹریس ٹینشن میں مبتلا ہے تو اللہ کے یہ نام یا ارحم الراحمین 110 مرتبہ سجدے میں پڑھے، یا اکرم الاکرمین 110 مرتبہ سجدے میں پڑھے، یقیناً اس کا اسٹریس پریشانی ٹینشن دور ہو جائے گا. التماس دعا. خدا حافظ ناصر، وعجل فرجہم. جزاک اللہ قبلہ، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہدایت ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا اور اس سلسلے کو، اس مناجات کو، اس لوگوں کے جو دکھ اور درد ہیں ان کو کس طرح سے پروردگار کے بلند اسماء کے ذریعے سے ان کو شفا پہنچانی، اس میں ہمارا ساتھ دیا. ناظرین، ہدایت کی اسکرین سے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. ہماری اور آپ کی ملاقات اب کل ہوگی. آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.